हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, 25 मई से देश में घरेलू उड़ान एक बार फिर से शुरू हुई है और इसके साथ ही वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को भी लाए जाने का काम चल रहा है। लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। दरअसल टोरंटो से भारत आए एयर इंडिया विमान के 2 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया के 2 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वंदे भारत मिशन में टोरंटो से विमान लेकर आए थे भारत और ये 2 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लॉकडाउन हवाई नीति पर बड़ा सवाल यह है कि चेन्नई से कोयंबटूर जो फ्लाइट आई उसमें एक यात्री संक्रमित पाया गया, दिल्ली लुधियाना की फ्लाइट में एक यात्री संक्रमित पाया गया और टोरंटो से दिल्ली, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत चल रही है वो जब आई तो उसमें 2 क्रू मेंबर्स संक्रमित पाए गए। हम कुछ लोगों को लाएंगे, 1.5 लाख टोटल वंदे भारत। ये बयान है केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का, जिन्होंने 21 मई को ऐलान किया कि देश में 25 मई से हवाई सेवा बहाल होगी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस देश लाया जाएगा। देश में जब लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने की तरफ है और कोरोना संकट के आंकड़ों में देश दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। 21 मई को वंदे भारत मिशन के तहत टोरंटो से भारत लौटी एयर इंडिया फ्लाइट से डराने वाली खबर है। इस फ्लाइट में मौजूद 2 क्रू मेंबर पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तस्वीरें उसी फ्लाइट से वतन लौटने वाले लोगों की है। वतन लौटने से पहले इनके चेहरे पर खुशी थी और जुमा पर भारत माता की जय का नारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन फ्लाइट के 2 क्रू मेंबर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फ्लाइट में सवार इन सभी लोगों पर कोरोना संकट का खतरा मंडराने लगा है। अनुमान है कि टोरंटो से लौटी एयर इंडिया की फ्लाइट में 300 पैसेंजर मौजूद थे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से विदेश से लौटे सभी लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के सख्त निर्देश हैं। 20 मई को 17 फ्लाइट से 3,090 भारतीय लौटे। 21 मई को 1,064 भारतीय वतन लौटे। 22 मई को 3,540 भारतीय विदेश से लौटे। 23 मई को 2,441 भारतीयों की वतन वापसी हुई। 24 मई को 687 भारतीयों को वापस लाया गया। 25 मई को 4 फ्लाइट से 833 लोग देश लौटे। 26 मई को 19 फ्लाइट से 3,393 लोगों को देश लाया गया। भारत में कोरोना की एंट्री भी विमान सेवा से ही हुई और इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा को देरी से स्थगित करने के लिए सरकार की आलोचना भी हुई। ऐसे में जब देश में कोरोना का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुँच चुका है तो एक बार फिर विमान सेवा ने कोरोना संकट की चुनौती को दोहरा कर दिया है। सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता रविकांत इस समय हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, ये तो बड़ा खतरा इस समय हवाई उड़ान का नजर आ रहा है कोरोना फैलाने में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 3-3 ऐसी फ्लाइट हैं जिसमें इस तरीके के मामले सामने आए हैं। टोरंटो से दिल्ली जो विमान आया उसमें 300 यात्री सवार थे और उसमें भी कोविड पॉजिटिव यात्री पाया गया। उसके अलावा जो 26 तारीख को इंडिगो की फ्लाइट चेन्नई से कोयंबटूर गई उसमें 75 यात्री थे, उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके अलावा दिल्ली से लुधियाना जो फ्लाइट गई 26 तारीख को उसमें काफी कम पैसेंजर थे, उसमें केवल 10 पैसेंजर थे। लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक चूक भी नजर आ रही है कि एक तो असेसमेंट की चूक है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, दूसरे क्यों ऐसा हो पाया कि ये जब बोर्ड हो रहे थे उस समय नहीं चेक हो पाया और जब ये पहुंचे हैं तो इनमें लक्षण सामने आए, क्या कमी है कि 2-3 घंटे पहले ये नहीं चेक हो पाया और यात्रियों को इससे काफी खतरा उठाना पड़ा है। सारे यात्री को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन करें, लेकिन इसमें यात्रियों में भी डर बैठ रहा है और जो एबीपी न्यूज ने भी सवाल उठाया था खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर से उसमें भी कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि कोई चूक जरूर हो रही है। बिल्कुल, विमान यात्रा से कोरोना का खतरा फिलहाल नजर आ रहा है। 3-3 फ्लाइट जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रविकांत।
और देखिए दो दिन पहले देश में फिर से ये हवाई सेवा जो शुरू हुई है, 25 मई से शुरू हुई है ना, इस सेवा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने घरेलू उड़ानें शुरू कर जल्दबाजी कर दी है और इससे कोरोना की महामारी को फैलने का मौका मिलेगा। लोगों में डर भी है और इसी वजह से एयरलाइंस को यात्री नहीं मिल रहे, मजबूरन फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत की सिस्टम की पोल खोलने वाली, आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट। दो महीने के लॉकडाउन के बाद देश भर में हवाई अड्डों से शुरू हुई फ्लाइट से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कल मेरे पास मैसेज आया एयर इंडिया से कि फ्लाइट चल रही है, लेकिन अब नहीं चल रही है। अगर मुझे पहले ही बता दिया जाता, मैं पूरी रात में टैक्सी, ऑटो कुछ भी मिल जाए ट्राई करती रही, मुझे नहीं मिला। फाइनली मेरे नेबर मुझे छोड़ने आए हैं। दो दिन पहले 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हुई और पहले ही दिन देश भर में 80 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई। इनमें से सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की 17 उड़ानें कैंसिल हुई। 26 मई को कल भी देश भर में 20 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। जाहिर है इस सब का खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने की आखिर वजह क्या है। फ्लाइट कैंसिलेशन की सबसे बड़ी वजह है मेट्रो सिटीज के अलावा बाकी शहरों के बीच में यात्रियों की कमी। यात्री क्वारंटाइन से डरे हुए हैं, सरकारी क्वारंटाइन के अपने खर्चे हैं। ऐसे में राज्यों के नियमों का अलग अलग होना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब प्रॉब्लम ये आने वाली है, मेट्रोज में तो बॉम्बे ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमें ये नहीं पता, अब ये डिसीजन शायद लेना पड़े कि बूढ़े जवान और बच्चे किसको बचाया जाए, क्योंकि उनके पास अभी कुछ नहीं है। उन्होंने केरला से हेल्प मांगी है कि आप अपने डॉक्टर और नर्सेज भेजिए, दिल्ली में बेड्स नहीं है। तमिलनाडु कुछ बेटर है बाकी स्टेट से, अहमदाबाद में भी बेड्स नहीं है, गुजरात इज ऑल्सो इन बैड शेप। बहुत से यात्री इस बात से भी डरे हुए हैं कि बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के मास्क और शील्ड के भरोसे यात्रा यातनादायक न हो जाए। तो आप जानते हैं एयरक्राफ्ट का स्पेस कितना क्लोज होता है, उसमें बैठने की जगह भी कम होती है, एक छोटा सा टॉयलेट होता है, तो इसमें अगर हम एक सीट छोड़कर भी बैठते हैं तो इन्फेक्शन का चांस नॉर्मल जगह से बहुत ज़्यादा होता है। तो एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करना कितनी भी सुविधाओं के साथ भी बहुत रिस्की है। एबीपी न्यूज ने जब सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप से सवाल किया तो मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दो यात्रियों के बीच एक सीट नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी। और मैं समझता हूं अगर मिडिल सीट आप इकोनॉमी क्लास में खाली रख भी लें तो जो सोशल डिस्टेंस का वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस वो तो होगा नहीं, इसलिए मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं।